नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिटीजनशिप्स टू चकमा रिफ्यूजी। तो अभी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी फैसला लिया है कि वो चकमा रिफ्यूजीज को जो नॉर्थ ईस्ट में रह रही है उनको सिटीजनशिप्स देगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरे इशूज को। द सेंटर विल ग्रांट सिटीजनशिप्स टू ऑल चकमा एंड हेजोंग रिफ्यूजीज लिविंग इन द नॉर्थ ईस्ट, बट एंश्योर दैट द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स आर नॉट डायल्यूटेड। तो जैसे कि अभी जो जो गवर्नमेंट के द्वारा बयान आया, तो उसमें कहा गया है कि सेंटर जो चकमा और द हेजोंग रिफ्यूजीज हैं जो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसके साथ साथ ये एंश्योर भी करेगी कि वहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल हैं जो उनके राइट्स हैं उनको भी डायल्यूटेड ना हो, यानी कि उनको भी कुछ हानि ना पहुँचे, उनको भी कुछ नुकसान ना हो, उनके साथ जो इंडिजीनियस पीपल के जो राइट्स हैं वो बने रहें। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया था, डिसीजन आया था, तो जिसमें उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा था कि आप चकमा रिफ्यूजीज को और हेजोंग रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप प्रोवाइड करो। तो उसके लिए ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और अरुणाचल प्रदेश है उन इन सब ने एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करने का सोचा है, जिसमें एक इस तरीके से जो अटेम्प्ट सिटीजनशिप दी जा रही है वो एक हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एक मिडिल ग्राउंड दिया जा रहा है, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला डिसीजन आया उसको भी होनर्ड बना रहे, और इसके अलावा जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में जो ऑलरेडी इंडिजिनियस पीपल हैं उनके भी राइट्स बने रहे। तो उसी के लिए देखते हैं, तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो चकमा और हेजोंग रिफ्यूजीज हैं कौन, ये कहाँ से आए। तो इसलिए देखते हैं, तो दे फ्लू टू इंडिया इन 1962 एस्केप रिलीजियस परसिक्यूशन इन चित्तागोंग हिल एरिया ऑफ द बांग्लादेश द अन अन द देन अनडिवाइडेड पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये इंडिया में वाक्य आए थे 1960 के दशक में, किस लिए आए थे? क्योंकि इन पर धार्मिक आधार पर इन पर अत्याचार हो रहा था। पहले जो रहने वाले कहाँ के थे, जो चित्तगोंग हिल एरिया था है बांग्लादेश में, जो चित्तगोंग हिल एरिया है, तो उसमें इलाके में जो लोग रहते थे उस समय ये इलाका पाकिस्तान के अंदर आता था, अनडिवाइडेड पाकिस्तान के अंदर, यानी कि जिसे हम इस ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाने जाते थे। 1971 के बाद बांग्लादेश बनाया वो, तो उससे पहले वो अनडिवाइडेड पाकिस्तान में आता था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इनके माइग्रेशन के जैसे कि हम इशू देख चुके हैं, तो इनके दो मुख्य कारण थे माइग्रेशन के। सबसे पहला कारण था कि जो कटपाई डैम बनना, उस इलाके में कटपाई डैम बनाया गया था 1960 के समथिंग, तो उस दौरान जो इनकी भूमि थी, जो लैंड थी, वो सबमर्ज हो गई थी, तो एक वो भी मुख्य कारण था। और दूसरा मुख्य कारण तो यही था कि जिनके धार्मिक आधार पर इनके साथ काफ़ी सारे अत्याचार हो रहे थे, तो इसलिए जो लोगों ने, चूंकि क्या था, जो चकमास थे वो बुद्धिस्ट को मानते हैं, बुद्धिस्ट फेथ है उनकी, और इसके अलावा जो हैजोंग है वो हिंदूज होते हैं, तो इसलिए इनके, और जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था या अभी बांग्लादेश है, तो एक वो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, तो इसलिए वहाँ पे जो इशूज चला था, तो उस समय ये लोग भागकर मिजोरम में आ गए थे। तो उस समय वो मिजोरम वाला जो इलाका है वो असम के अंदर आता था, असम के लुसई हिल डिस्ट्रिक्ट में उस समय कनेक्ट वाला इलाका था ये। तो उस समय ये लोग मिजोरम यानी कि लुसई हिल डिस्ट्रिक्ट में भाग कर आए, फिर वहाँ से जब वहाँ पे जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए, तो सेंटर ने वहाँ से लोगों को हटाकर इनको नेफा की तरफ यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तरफ मूव कराया। और जो आज, चूँकि आज नेफा को अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए आज ये अरुणाचल प्रदेश में इनकी काफ़ी अत्यधिक संख्या बढ़ चुकी है। पहले काफ़ी कम थे, कुछ डेटा बताते हैं कि शायद उस ज़माने में जब 1960 के दशक में ये 5,000 के समथिंग आए थे, और आज इनकी जनसंख्या करीब 1,00,000 है। अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल द सिटीजनशिप विल नॉट एंटाइटल द रिफ्यूजीज टू राइट्स एंजॉय बाय शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट इंक्लूडिंग लैंड ओनरशिप। तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था कि ये एक सिर्फ मिडिल ग्राउंड फाइंड करने का प्रयास किया गया है। जो सिटीजनशिप दी जा रही है रिफ्यूजीज को, उससे इसमें इस तरीके के उनको जो जो अरुणाचल प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनको जो राइट्स दिए गए, उस तरह का कोई भी राइट्स इसमें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जिसमें उनके लैंड ओनरशिप का भी राइट्स आते हैं, तो वहाँ पे वो लैंड वगैरह नहीं खरीद सकेंगे, इस टाइप के कोई राइट्स उनको नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ उनको सिटीजनशिप दी जाएगी। तो अब मुद्दा होता है कि सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही है, तो सिटीजनशिप के साथ उनके पास राइट्स क्या आने वाले हैं,
तो सिटीजनशिप्स के राइट्स, सिटीजनशिप मिलने के बाद बस उन्हें जो इनर लाइन परमिट सिस्टम जो अरुणाचल प्रदेश में चलता है, तो उसके अंतर्गत जो परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अब वो अरुणाचल प्रदेश में ट्रेवल कर सकेंगे और वर्क कर सकेंगे, किसी भी तरीके का अलाइन ट्रेवल वर्क कर सकेंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो अब दो क्वेश्चन मुख्यतः उठते हैं। तो सबसे पहला तो अरुणाचल प्रदेश को, जो अरुणाचल प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब रह रहे हैं, उनको स्पेशल प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करे गए, और दूसरा इनर लाइन परमिट सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशल प्रोविजन फॉर अरुणाचल प्रदेश, तो अंडर आर्टिकल 371H, तो 371H के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला दिया गया उसमें, द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। तो जो वहाँ का गवर्नर होगा अरुणाचल प्रदेश का, उसके ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट की, यानी कि राज्य की, उसकी उसकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इसके अलावा, इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी द गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सरसाइज इज इंडिविजुअल जजमेंट एंड इज डिसीजन इज फाइनल। तो जब भी वो अपना किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन करेगा, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो वो सलाह मशवरा करेगा, चूंकि गवर्नर भी और सेंट्रल के बीच में काफ़ी ज़्यादा, सेंट्रल एक तरीके से गवर्नर गवर्नर जो होती है वो एक सेंट्रल पोस्ट ही होती है एक तरीके से। तो उस तरीके से वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट भी करेंगी, और अपनी एक इंडिविजुअल जजमेंट, उसके बाद जो भी उनका बातचीत करने के बाद जो भी तय होगा, तो उसके अलावा अपनी जजमेंट देंगे, एक जजमेंट तैयार करेंगे, और उसके अलावा अपना डिसीजन सुनाएंगे, और वो डिसीजन सब बिल्कुल फाइनल होगा, उस पर किसी भी तरह की कोई वो गुंजाइश नहीं होगी। जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वो खत्म, संविधान के अनुसार वो खत्म भी हो सकती है, लेकिन वो खत्म सिर्फ राष्ट्रपति चाहें तो ही हो सकती है। अगर राष्ट्रपति ऐसा कहें कि गवर्नर, अब अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है, तो वो इसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक राष्ट्रपति ऐसा नहीं कहते, जब तक जो वहाँ के गवर्नर हैं उन पर ऐसी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और उनका ही डायरेक्शन और डिसीजन सबसे ज़्यादा फाइनल रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो प्रोविजन है वो ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें कम से कम 30 मेंबर तो होंगे। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के 371H में ऐसी प्रोविजन दी गए हैं। तो आगे दूसरा देखते हैं, इनर लाइन परमिट सिस्टम। तो इनर लाइन परमिट सिस्टम से, जैसे कि हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हमको वहाँ पर रहने के लिए वीजा लेना पड़ता है, तो उसी तरीके से जब जब हम किसी इंडिया के किसी प्रोटेक्टेड एरिया में जाते हैं, जो इनर लाइन परमिट सिस्टम के प्रोटेक्टेड इलाके हैं उसमें में जाते हैं, तो हमको एक डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, तो जिसको हम इनर लाइन परमिट कहते हैं। तो चाहे वाले हम इंडियन सिटीजन हो, चाहे इंडियन सिटीजन के अलावा कोई भी सिटीजन हो, तो उसे इस टाइप की परमिशन तो लेनी पड़ती है। तो जो एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, तो इनर लाइन परमिट सिस्टम इज एन ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अलाउ इनवर्ड ट्रेवल ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन टू अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड। तो यानी कि कोई इनर लाइन परमिट है, तो इसमें क्या है, एक टाइप से ये ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है, इंडियन सिटीजन को भी जारी किया जाता है, इनवर्ड अगर वो किसी राज्य में अंदर जाते हैं ट्रेवल करने के लिए, तो उस प्रोटेक्टेड एरिया में जाएंगे, तो उस प्रोटेक्टेड एरिया में ट्रेवल करने के लिए आपको उस लेटर जो डॉक्यूमेंट है वो इशू करवाना पड़ेगा, और वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए जारी किया जाता है। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हम किस पर्पज़ से जाना चाहते हैं और कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं। तो जो इनर लाइन परमिट सिस्टम है, उसके अंतर्गत जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो कौन कौन से, सबसे पहले स्टेट है अरुणाचल प्रदेश है, फिर है नागालैंड एंड फिर है मिजोरम। तो हम जैसे कि मैप में देख सकते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश है सबसे ऊपर, फिर नागालैंड है, और जो बीच वाला जो मणिपुर वाला इलाका है, तो वो इनर लाइन परमिट सिस्टम में नहीं आता है। उसके नीचे जो मिजोरम स्टेट है वो इनर लाइन परमिट सिस्टम में आता है। तो ये प्रोविजन कब तैयार किया गया था, तो ये प्रोविजन अंग्रेजों के ज़माने का है, ब्रिटिश टाइम का है। तो ब्रिटिशों ने एक एक्ट बनाया था, बंगाल फ्रंटियर प्रोविजन एक्ट 1873, तो उसके अंतर्गत इनर लाइन परमिट सिस्टम तैयार किया गया था पूरा, तो ये उसके अंतर्गत ही। अब चूंकि 1950 के बाद बंगाल फ्रंटियर प्रोविजन एक्ट तो नहीं है, लेकिन अब ये कि इनको उसके तहत ही स्थापित किया गया था। तो 1950 के जब देश आपको इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद इसको आगे चालू, इसको आगे कंटिन्यू रखा गया, क्योंकि जो वहाँ के इंडिजीनियस पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको आगे चालू रखा गया। तो जैसे कि हम आगे भी देख सकते हैं, दिस ILP प्रोविजन वॉज मेड टू गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू द इंडिजीनियस पीपल। तो इसका उद्देश्य सिर्फ सरकार का यही था कि इस ILP सिस्टम को चालू रखा जाए, जिससे वहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल हैं उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिले, जिससे वहाँ पे मतलब बाहर के जो लोग हैं वो ना आके उनका जो पूरे राइट्स हैं
जैसे कि इसमें लैंड ओनरशिप वगैरह मिलता है, या उनकी जो सीक्रेट्स वगैरह है, उनकी जो कल्चर्स वगैरह, वो इंटरमिंगलिंग ना हो पाए, एक एक सेपरेट बना रहे, उनका एक सेपरेट पोर्शन जो है। इसके अलावा चूंकि, लेकिन अगर हम उद्देश्य पे देखें जाए, तो जो ब्रिटिशों ने जो ILP सिस्टम लगाया था, उनका उद्देश्य सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट को बनाए रखना था। चूंकि जो अरुणाचल प्रदेश थे, नागालैंड है, मिजोरम, मणिपुर, तो ये स्टेट में टी की खेती अच्छी खासी होती है और काफ़ी बड़ा बिजनेस है टी गार्डन्स का। तो उस समय जो अंग्रेज चाहते थे कि उनका वो उद्देश्य सिर्फ कमर्शियल इंटरेस्ट था, वो चाहते थे कि इसमें किसी तरीके से किसी और कंपनी का हस्तक्षेप ना हो। तो इसलिए उन्होंने जो बंगाल फ्रंटियर प्रोविजन एक्ट 1873 तैयार किया था, और जिसके तहत ये ILP सिस्टम लागू किया था। लेकिन जब आज़ाद देश को आज़ादी मिली, तो इंडिया ने इसे भी कंटिन्यू रखा, और उनका उद्देश्य वही था कि जो ट्राइबल कल्चर था नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, वो कंटिन्यू रहे और उसे एक तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। दो तरह के ILP जारी किए जाते हैं। पहला तो टूरिस्टों के लिए, जो टूरिस्ट चाहते हैं, टूरिस्ट जाना चाहते हैं, उनके लिए जारी किया था। दूसरा, जो कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पर्पज से एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए लॉन्ग टर्म स्टे करना चाहता है, तो उसके लिए भी ILP जारी किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि हमने अभी देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में ILP सिस्टम लागू है, नागालैंड में ILP जारी है, और मिजोरम में भी है, लेकिन मणिपुर में नहीं है। मणिपुर में इसी इसी संदर्भ में 2012 में मणिपुर जो स्टेट असेंबली है वहाँ की, उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था, और जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग क्या इनकी रिक्वेस्ट करी कि साहब, कि हमारे यहाँ भी ILP सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रोग्रेस हुई नहीं है इस तरीके से, यानी कि मणिपुर स्टेट भी ILP सिस्टम की मांग कर रहा है। तो लेकिन देखते हैं कि जब अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, तो मणिपुर में क्यों नहीं है। मणिपुर में इसलिए नहीं है क्योंकि जो मणिपुर था, जो आज जब देश को आज़ादी मिली, उससे पहले मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, और चूंकि प्रिंसली स्टेट था, तो जो जो अंग्रेजों का बंगाल फ्रंटियर प्रोविजन एक्ट 1873 था, वो वहाँ पे लागू नहीं होता था। इसलिए मणिपुर के लोगों ने एक अपना परमिट सिस्टम अलग बना के रखा था, एक पासपोर्ट अलग सिस्टम था, जिसे आज़ादी के बाद 1951 में ख़त्म कर दिया गया, और अब वहाँ पे एक नॉर्मल स्टेट है, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई परमिट सिस्टम लागू नहीं है। इस तरीके से अब मणिपुर भी इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग कर रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।